तो स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे ऑक्सीडेशन स्टेट। हम पॉइंट ये था कि जो प्लस 5 नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ रेशियो प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ में प्लस 5 के साथ प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो होती है। तो ये क्यों शो होती है ये हमने एक्सप्लेन किया था, क्योंकि लास्ट के जो तीन एलिमेंट हैं उनमें d इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और बिल्कुल लास्ट वाले एलिमेंट में d के साथ f इलेक्ट्रॉन भी हैं। इनका शेडिंग इफेक्ट पूर होता जाता है, जैसे हम आर्सेनिक से बिस्मथ की तरफ जाएंगे शेडिंग इफेक्ट कम होता जाता है। इसकी वजह से क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है और ये आउटर इलेक्ट्रॉन है, आउटर इलेक्ट्रॉन क्या है NH2NP3। तो चूंकि यहाँ पे जो शील्ड है ये पुअर शील्ड है, यहाँ पुअर शील्ड है यानी कि प्रोटेक्ट नहीं कर पाती आउटर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से। इस वजह से क्या होता है, जो NH2 इलेक्ट्रॉन पेयर की बाइंडिंग ज्यादा हो जाती है इसके साथ, तो NH2 इलेक्ट्रॉन पेयर डज नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, नो पार्टिसिपेशन, ये पार्टिसिपेट नहीं करेगी। हम कहते तो ऐसे हैं कि पार्टिसिपेशन की टेंडेंसी बहुत कम है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कोई पार्टिसिपेशन नहीं है इसका। अगर पार्टिसिपेशन नहीं है तो इसलिए कह दिया कि दिस इलेक्ट्रॉन पेयर बिकम्स रिलेवेंट टू पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ऐसा समझिएगा, हम बड़ी यूज करते हैं कि कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, इसका मतलब ये समझे रिलेक्टेंट टू पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। जब ये दो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करें, 3, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट 3 शो करते हैं। लेकिन जो टेंडेंसी है शो करने की प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट की, ये इंक्रीज करती है फ्रॉम आर्सेनिक टू बिस्मथ। बिस्मथ में बहुत ज्यादा है, बिस्मथ में प्लस 3 कंपाउंड की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है और प्लस 3 के कंपाउंड की स्टेबिलिटी इसमें कम होगी, इसमें और ज्यादा होगी, इसमें और ज्यादा होगी। यानी कि क्वेश्चन ये बन गया कि स्टेबिलिटी ऑफ प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी धीरे धीरे कम हो जाती है और प्लस 3 की स्टेबिलिटी धीरे धीरे इंक्रीज करती है डिसेंडिंग में। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्यों है। अब चूंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही, इसलिए कहते हैं इसको इनर्ट पेयर और इसी को कहेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या हुआ, NH2 इलेक्ट्रॉन पेयर इज रिलेक्टेंट टू पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, इसी को कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। और इसी की वजह से जो स्टेबिलिटी है प्लस 3 की इंक्रीज कर रही है और प्लस 5 की स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रही है इन द ग्रुप। ओके, तो दिस पार्ट अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एलिमेंटल स्टेट। हमने अभी तक अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, हमने दो पॉइंट बड़े एलिमेंट डिस्कस किए हैं, एक तो आयनाइजेशन एंथैल्पी वाला, ये नाइट्रोजन की एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज्यादा है या नाइट्रोजन जो एलिमेंट की एंथैल्पी ऑक्सीजन के एलिमेंट से ज्यादा है। दूसरा हमने ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की, पर्टिकुलरली स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजिंग बाय दैट ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजिंग द ग्रुप। ओके, और तीसरा इसी के साथ कंसर्न है इनर्ट पेयर इफेक्ट आइडेंटिफाई करने को कैसे आप जस्टिफाई कर रहे हैं। नेक्स्ट इज द एलिमेंटल स्टेट। इससे दो तीन चीजें बनेगी, एक तो हमें कहेंगे नाइट्रोजन इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर, जो नाइट्रोजन गैस है रूम टेम्परेचर पर इनर्ट है वाय। दूसरा हम यहां पे कहेंगे नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज नाइट्रोजन एग्जिस्ट एट N2 यानी कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, while other elements of family, while other elements as tetraatomic molecule हम इन जनरल लिख सकते हैं इसको M4, बाकी जितने M का मतलब यहाँ पर है इससे फास्फोरस आर्सेनिक एंटी
तीसरा यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है नाइट्रोजन इज ए गैस एंड अदर स्टार सॉलिड, नाइट्रोजन गैस है और बाकी सब सॉलिड, तीन क्वेश्चन बन जाते हैं। तीनों क्रम से क्वेश्चन का आंसर लगभग एक जैसा सही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन के स्ट्रक्चर देखेंगे। नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5। ओके, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इट नीड, इट नीड्स टू इलेक्ट्रॉन, सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। इसके पास अपने कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। इतने इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरे करने के लिए, 3 चाहिए। इसलिए एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से अपनी ऑक्टेट सेटिस्फाई करेगा। One nitrogen atom forms triple bond with other nitrogen atom and has this energy. Okay, ये बन गया nitrogen. So in this way, both nitrogen atom have completed their octet. Their triple bond between them और octet पूरी हो गई। अब देखिए यहीं से आंसर करेंगे तीनों क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन है कि nitrogen inert है room temperature पर, क्योंकि because there is triple bond between nitrogen atoms and the triple bond is a very strong bond, it needs about 945 kilojoule energy per mole and this much energy is not easily available by the collision between the molecules at room temperature. yani ke gas molecule aapko pata hi hai, gas molecule aapas mein collide karte hain, is collision se kuch na kuch energy release hoti hai, lekin wo energy नहीं होती जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड को तोड़ दे। तो आंसर कैसे करेंगे, नाइट्रोजन गैस इज नॉट एट रूम टेंपरेचर बिकॉज नाइट्रोजन मॉलिक्यूल हैज ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन एटम एंड दैट इज अ स्ट्रांग बॉन्ड, इट रिक्वायर्स 945 किलोजूल पर मोल एनर्जी एंड दिस मच एनर्जी इज नॉट अवेलेबल बाय कोलिजन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल एट रूम टेंपरेचर, दैट्स व्हाई नाइट्रोजन बिकम्स इनर्ट एट रूम टेंपरेचर। सेकंड क्वेश्चन, नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज ए डायटॉमिक मॉलिक्यूल। अगेन आंसर ये पर, नाइट्रोजन कंप्लीट इट्स ऑक्टेट बाय फॉर्मिंग ट्रिपल बॉन्ड विद अदर नाइट्रोजन एटम, सो इन दिस वे बोथ नाइट्रोजन हैव कंप्लीटेड देयर ऑक्टेट। और जब इनकी ऑक्टेट कंप्लीट होगी ये फर्दर बॉन्डिंग नहीं होगी, दे विल नॉट फॉर्म, दे विल नॉट गो फॉर फर्दर बॉन्डिंग, दैट्स व्हाई N2 मॉलिक्यूल विल एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली डिस्क्रीटली। और ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस किसकी प्रॉपर्टी है, ये गैस की प्रॉपर्टी, गैस एंड मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, दे आर मूविंग रैंडम की नो डायरेक्शन, आपको सब पता ही है। तो ये गैस का बिहेवियर है, इसलिए हम कह सकते हैं नाइट्रोजन डाई गैस, नाइट्रोजन गैस है और अदर आर सॉलिड। ये भी आंसर, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। मैंने कहा हमें ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे ऑक्टेट भी हो जाएगी, मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है, इसलिए गैस है। फास्फोरस अदर फास्फोरस के साथ ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना सकता, ये चीज नहीं होगी, इसलिए ये नाइट्रोजन फास्फोरस सॉलिड है। और ये क्वेश्चन भी डायटॉमिक वाला भी इसके साथ ही है। अगेन फिर वहीं से स्टार्ट करेंगे कि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, इलेक्ट्रॉन की कॉन्फिगरेशन पूरा हो जाता है, ऑक्टेट पूरी हो जाती है, इसलिए दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे, तीसरे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसलिए डायटॉमिक है। एक्चुअली तीनों क्वेश्चन हमें डिफरेंट लगते हैं लेकिन आंसर सेम है। आंसर देने के लिए आपको स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी, N2 मॉलिक्यूल की उसके बेस पर आप जस्टिफाई करेंगे। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कहते हैं एलिमेंटल स्टेट में तीन क्वेश्चन बन गए, सब क्या है क्वेश्चंस हैं। ओके, तो आप प्लीज इनको कर लेना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी मल्टीपल बॉन्डिंग, मल्टीपल बॉन्डिंग। So you know that शायद आपने प्लस वन में पढ़ा होगा कि ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल कैरेक्टरिस्टिक करते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन। ये तीन एलिमेंट है कार्बन फैमिली का कार्बन, नाइट्रोजन फैमिली का नाइट्रोजन, ऑक्सीजन फैमिली का ऑक्सीजन, ये मल्टीपल बॉन्ड बनाते हैं। तो नाइट्रोजन हम चूंकि नाइट्रोजन फैमिली करें, नाइट्रोजन फॉर्म्स
मल्टीपल बॉन्ड विद अदर एलिमेंट्स इन्वॉल्विंग p5 बॉन्ड. फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन. इन दिस वे तो नाइट्रोजन कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड विद अदर एलिमेंट्स एज वेल एज विद इटसेल्फ. नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड टू नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड टू नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड टू ऑक्सीजन. इन ऑल दी देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ p5 बॉन्डिंग. इसको कहते हैं मल्टीपल बॉन्डिंग. ओके, तो दिस इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक. द लास्ट पॉइंट इज द मैक्सिमम कोवेलेंसी. This is very relevant point. First element of each family. What I said? First element of each family. First element of each family can exhibit maximum oxidation state. Maximum covalency can exhibit maximum covalency. And others beyond 4. यानी ये first element के maximum की बात कर रहे हैं. minimum कुछ भी हो सकता है, minimum 1 भी हो सकती है, maximum 4 होगी. लेकिन यहाँ पर other element में 4 से ज़्यादा भी हो सकती है. इसका answer है क्योंकि first element में कोई vacancy orbital available नहीं है. first element has no vacant d orbital. First element में कोई vacant d orbital नहीं है and others have vacant d orbital. क्योंकि first में d orbital नहीं है, कौन से orbital available है? SFP. Next में देखिएगा 1s2, 2s2, 2p6. 3s है नहीं यहाँ पे, ठीक है? 2p3. तो यहाँ पे कौन से ऑर्बिटल अवेलेबल हैं? s एंड p. s में कितने ऑर्बिटल हैं? 1, p में कितने हैं? 3 टोटल कितने होंगे? 4. यानी कि 4 ऑर्बिटल अवेलेबल है फॉर बॉन्डिंग, जिसमें मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 है. अगर फास्फोरस का देखें, यहाँ पे आउटर आएगा, सारे लिख देते हैं 2p6, 3s2, 3p3. ओके, और यहाँ पे लिखें 3d3. अब ये अब यहाँ पे d ऑर्बिटल है कि यहाँ पर भी 5 इलेक्ट्रॉन, लेकिन d ऑर्बिटल अवेलेबल है वैकेंट ही सही. तो जरूरत पड़ने पर d में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं, शिफ्ट हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो सकते हैं फ्रॉम 3p टू 3d, 3s टू 3d. इसलिए d ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर सकती है क्योंकि अवेलेबल है. ठीक है, इसलिए हम कहते हैं यहाँ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 4 से ज्यादा होगी. अगर मान लीजिए जैसे यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे ऑर्बिटल कितनी है 1, यहाँ पे कितनी है 3, यहाँ पे कितनी है 5. 5 की 5 तो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है. इस हिसाब से यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 4 से ज्यादा हो जाएगी. इसको कहते हैं मैक्सिमम कोवेलेंसी मे बी बियॉन्ड 4. तो दिस वाज ऑल अबाउट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट. और नेक्स्ट हम करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट टुवर्ड्स हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड हैलोजन. नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे.